राजस्थान के कोटा, जोधपुर, बूंदी और बीकानेर में सैकड़ों बच्चों की मौत का मामला भी ठंडा भी नहीं पड़ा है कि राजस्थान के भरतपुर के राज बहादुर मेमोरियल मेडिकल अस्पताल से एक फोटो सामने आई है जो राजस्थान के अस्पतालों की बदहाली साफ जाहिर करती है, जिसे देखकर आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि आखिर स्वास्थ्य विभाग सुधरने का नाम क्यों नहीं ले रहा। मरीजों के हर संभव इलाज के लिए प्रदेश के मुख्यमंत्री लाख विभागीय अधिकारियों और प्रशासन के जिम्मेदारों को सेवा का पाठ पढ़ाते हो, लेकिन उनके इन कोशिशों को स्वास्थ्य विभाग के नुमाइंदे हवा में उड़ाने पर जरा सी हिचक तक नहीं करते। अब आपको वो फोटो दिखाते हैं जो इस वक्त तेजी से वायरल हो रहा है। इस फोटो में मरीजों के लिए लगाए गए बेड पर आवारा कुत्ते लेटे हुए नजर आ रहे हैं। अस्पताल में कुत्तों वाली तस्वीर के सामने आने के बाद अस्पताल प्रशासन में भी हड़कंप मच गया है। अब राजस्थान के स्वास्थ्य मंत्री रघु शर्मा ने इस पर सख्ती दिखाते हुए साफ कह दिया है कि हर लापरवाही कीमत मांगती है, जो लापरवाही करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। हालांकि ये वही मंत्री है जो बीते दिनों बच्चों की मौत पर पिछली सरकार के आंकड़े गिनवाने में लगे थे। जब मामला गंभीर हुआ था तब जाकर उन्होंने कोटा अस्पताल का जायजा लिया था। उधर इस मामले में पर्यटन मंत्री विश्वेंद्र सिंह ने इस मामले को शर्मनाक बताया है और साथ ही सरकारी अस्पतालों की बदहाली को भी माना है। पर्यटन मंत्री ने भरतपुर के चीफ मेडिकल एंड हेल्थ ऑफिसर को जयपुर तलब किया है। सुधार हमें सब जगह लाना है, एक दूसरे पे ब्लेम गेम नहीं करना किसी पर। जो ब्लेम गेम हो जाता है उससे कोई मकसद नहीं निकलता। जनता को किस तरीके से हम सही सुविधाएं दे पाए उसके लिए हम सबको तत्पर रहना चाहिए, चाहे कोई विभाग हो, चाहे कोई अधिकारी हो, चाहे कोई मंत्री हो। और उसके लिए अब नेसेसरी स्टेप्स ले लिए गए तो आई थिंक वो, लेकिन इतना मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि डिविजनल हेडक्वार्टर का जो हॉस्पिटल है उससे ज़्यादा साफ मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी डी कुमेर जो कि छोटे छोटे हॉस्पिटल हैं वहाँ आपको मिलेगी। तो हमको मैं तो हर विधायक से ये निवेदन करूँगा और हर मंत्री से कि अपने अपने क्षेत्रों के हॉस्पिटल्स को, स्कूल्स को, जो पब्लिक फैसिलिटीज़ हैं और भी चीज़ें हैं, कन्वीनियंस है, स्कूल्स हैं, उनको सबको समय समय पर चेक करते रहना चाहिए। राजस्थान में स्वास्थ्य सेवाओं की बदहाली को लेकर अशोक गहलोत सरकार बैकफुट पर है। डिप्यूटी सीएम सचिन पायलट ने एक महीने में 150 से भी ज्यादा बच्चों की मौत से सुर्खियों में आए कोटा के जेके लोन अस्पताल का दौरा करने के बाद अपनी ही सरकार को कटघरे में खड़ा किया था, जिसके बाद मुख्यमंत्री गहलोत और उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट के बीच तकरार की खबरें भी आने लगी थी।